لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इसी तरह एक सवाल आया है कि क्या ख्वातीन अपने चेहरे को पूरा छुपाकर नमाज पढ़ सकती हैं कि नहीं। अब इस ज़मन में उलमाए कराम के जो फतावा है वो ये है कि वैसे तो औरत को नमाज पढ़ने में अपने बदन के औरा का ख्याल रखना चाहिए कि बदन के जो हिस्से हैं वो छुपे हों, लेकिन चेहरे का खुला होना जो है वो जाए लाजिम है कि अगर वो अकेले नमाज पढ़ रही है या अपने महरम के अराउंड नमाज पढ़ रही है तो चेहरे का खुला होना चाहिए, चेहरे को किसी चीज़ से कवर नहीं करना, अकेले हो या अपने महरम के साथ हो या महरम के साथ घर में हो या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ सिर्फ महरम हो या सिर्फ औरतें हों, तो इन तमाम मामलात में चेहरे का खुला रखना जो है वो लाजिम है। हाँ, अगर किसी ऐसे सेटअप में पहुँच जाती है जहाँ महरम ना महरम मिक्स है, अब जैसे बाज़ार में आप जा रहे हैं, नमाज का वक्त हो गया है, अब आपने कहीं खड़े रह के नमाज़ पढ़नी है, या प्लेन में सफ़र कर रहे हैं, नमाज का वक्त हो गया, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जहाँ पर ना महरम भी मौजूद हैं और महरम भी हैं, तो फिर ऐसी सूरत में फितने के हो जाने का डर है, इसलिए चेहरे को छुपा के नमाज पढ़ी जा सकती है, लेकिन ख़ास इसी हालत में, वरना चेहरे का खुला रखना ज़रूरी है नमाज में। वमा अलैना इल्लल बलाग।